भागवत कथा में अजामिल एक ब्राह्मण है, रोज माला लेकर, रोज पूजन की थाली लेकर, रोज भगवान का भजन करता हुआ श्रीमन नारायण हरि हरि हर हर महादेव जपता 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 अजामिल अपनी माला को उठाकर भगवान के मंदिर जाता था। एक दिन एक मित्र ने कहा, क्या जरूरी है कि इसी रोड पे से मंदिर जाए, क्या जरूरी है कि इसी गली में से मंदिर जाए, क्या जरूरी है कि इसी रोड पे से जाए, इसी मार्ग से जाए। जिसको गली नापने की आदत होती है ना, रोड नापने की आदत, कई कई बार माताएं अपने बच्चे से कह देती है, नापिया या रोड, नापिया या गली। माता कई बार गुस्से में आकर कह देती कि गली नापिया या रोड नापिया या, मतलब रोड नापना मतलब इसकी आदत है कि ये जाएगा इस गली से और आएगा ना जाने कौन सी गली से घूम फिर कर। अगर कहीं का इंतजार भी करता जाने कि अब यहीं से आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन सी गली में से घुस कर आएगा, कब प्रवेश कर जाएगा और कब घर में आ जाएगा, इसका कोई ठिकाना ही नहीं। अब अजामिल की आदत थी एक ही मार्ग से जाना, उस मार्ग से भगवान का दर्शन करना, थोड़ी मंत्र जाप करते करते, माला जपते जपते, भजन करते करते चले जाता था और जाकर दर्शन कर कर वापिस आ जाता। आज एक मित्र मिल गया, अच्छे मित्र, अच्छे सखा, अच्छी राय देने वाले, अच्छा विचार देने वाले, अच्छा संस्कार देने वाले दुनिया में बहुत कम मिलेंगे। तुम्हें अपने मार्ग से भटकाने वाले, गलत मार्ग पर ले जाने वाले ढेर मिलेंगे। ढेर प्राप्त होगा। अजामिल से कहा कि कहां इस मार्ग से जाता है, चल हमारे मार्ग से चल, आज मैं तुझे ऐसे मार्ग से लेकर चलता हूं जिस मार्ग में तुझे चलने में आनंद की अनुभूति होगी। शायद आपने भी सुना होगा, हमने भी हमारे गुरु जी के मुख से सुना था, आपने भी आपके गुरु के मुख से सुना होगा, कभी जीवन में कहीं पढ़ा होगा कि भक्ति का पथ, भक्ति का मार्ग बड़ा आड़ा टेढ़ा होता है, भक्ति का पथ, भक्ति का मार्ग बड़ा उबड़ खाबड़ होता है, बड़ा आड़ा टेढ़ा होता है, ये बहुत सीधा नहीं हो सकता। अगला वर्णन किया गया महाराज, शास्त्र कहता है, अगला वर्णन जो किया गया उसमें बताया, प्रयास करें जिस दिन एकादशी हो उस दिन घर में बुआरी झाड़ू आदि जो लगती है वो दूसरा लगा लें। क्यों, उसका वर्णन है, अगर आप बुआरी लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे तो हो सकता है कोई जीव आपके हाथ के द्वारा मर जाए। तब एक बार ये कथा हमने काशी में कह दी थी तो एक अम्मा खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, महाराज जी हम तो दोनों ही हैं और मेरी रे एकादशी तो मैं पोछा किससे लगवा। अब मैंने कहा, अम्मा तू तो रहन दे, तू ही लगा ले। अब हम कह दें कि अब एक तो बोल रहे कि हम घर में दो और आप कह रहे हो कि जिसका व्रत रहे वो पोछा ना, तो मत लगाओ, छोड़ दो, एक दिन को जरूरी है झाड़ू लगा लिया सब पोछा, तो प्रयास करो कि कोई जीव ना मरे, प्रयास करो किसी जीव की हत्या ना। जैसे चतुर्थी का व्रत करने वाली जो माताएं होती हैं, जो चतुर्थी का व्रत करती हैं, आज भी चतुर्थी मान्य हो रही होगी, तो चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए, चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली, तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती है, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती है, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के लिए होता है, केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं,
हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े। अगर किसी के मृत्यु वाले घर में जाना है तो गरुण पुराण सुनकर या पढ़कर जाओ। लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा उसकी घर की अटारी पर रहती है। 10 दिन तक जो मरा है वो जीवात्मा उसकी घर की अटारी पर रहती है, और तुम 10 दिन के अंदर ही उसके घर में बैठने जा रहे हो, तो ये मत पूछो कि मरा कैसे। वहां जाकर थोड़ी देर बैठो और राम नाम कृष्ण नाम गाओ, जीवात्मा को भी मिलेगी और तुम्हें भी मिलेगी और उतर जाएगी। पर राम नहीं गाया, मक्का की रोटी खाए सुख गए, राम कहां गए, कृष्ण नहीं गाया, शिव नहीं गाया, भजन नहीं गाया, मैं तो सब बैठते गए बस। और बच्चा कुचा था तो वो उठाओ ना, तीसरा का दिन का तुमने देखा होगा पूरे इतने वो फोटो को ऐसा रख दो और मालूम पड़े इधर माता आके बैठ जाए, इधर पुरुष आके बैठ जाए, और घर का लोग इधर इधर से घर का लोग इधर इधर मुंडा कर करके उधर मुंह करके सब बैठ जाए, और सब जितने भी उठाने में आते चुपचाप आके बैठ के 2-4, 8 मिनट, 10 मिनट आते 15 मिनट और सब एक साथ उठ के चले जाते। अब इतने सारे इकट्ठे हुए सब मिलके अगर भजन गाते तो कितनी जोरदार भजन होता कि नहीं होता। पर सब आए और जितने परिवार वाले बैठे थे वो भी देख रहे हैं, सब पल्लू ले लेके, कमला भाई तो आई नहीं, इनकी अम्मा मरी थी जब तो अपन गए थे, नहीं उनके यहां से भैरू सिंह आया है, दिख रहा पीछे है, पीछे साहिब भी बैठा उधर से, उधर से देखो, उधर से, हाँ उधर से देख लो, वो पीछे बैठे। और इनके शर्म भी आए देखिए, तो फिर तो राम रतन भाई तो दिखी नहीं, कि राम रतन भाई तो आई थी बंदो, तो चली गई जल्दी चली। अरे ये ए राम के हो, राम कृष्ण बोलो, शिव बोलो, भगवान का नाम बोलो, देख रहे हैं कौन कौन आया था। यहां पे भी अहंकार बड़ा हुआ है, कितने लोग आए कितने गए, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, जा महलों में रखे चाहे झोपड़े का वास, सीताराम 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 कहिए, जाई दीदी राखे राम ताई भी। चित्तवृत्ति में भगवत भजन होना चाहिए हर पल हर घड़ी हर क्षण। हम तो यहां तक कहते हैं कि शमशान में अगर मुर्दे को लेकर जा रहे हो और तुम राम नाम सत्य नहीं बोल पा रहे हो तो घट की जिभ्या से राम जपो और जाइए, घट की जिभ्या से जपिए, जाइए भजन करिए, स्मरण करिए। बहुत दूर मेरा शिव है, उसके पास जाने का मार्ग बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। एकादशी का व्रत लोग कहते हैं कि कर लिया जान लिया, पर एकादशी के जो 18 नियम हैं उन नियम में 2 नियम कल बताए थे, तीसरा नियम है कि शिव की आराधना हो, कृष्ण की आराधना हो, भगवत स्मरण हो। दसवीं, ग्यारस और द्वादशी, दसवीं एकादशी और द्वादशी। एकादशी का व्रत दसवीं की रात्रि को जो आप भोजन करें वो सात्विक करें, एकादशी के दिन भोजन ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें। कितना सुंदर कहा है महाराज जी, यदि आपके यहां पर गौ माता है, आपके घर में अगर गौ माता विराज रही है, आपके घर में अगर गौ माता है, गाय की अगर आप सेवा कर रहे हैं, अच्छा गाय की सेवा भी बहुत बहुत कम लोग करते हैं, कई घरों में कुत्ता तो मिल जाए पर गौ माता नहीं मिले हो, और कुत्ता घुमाए नहीं जब आधी आधी ऐसी ऐसी चड्डा पहन पहन के, तो ऐसी सांग दिखाए कि हमारे बराबर कोई VIP नहीं, कुत्ता घुमा रहे हैं और VIP इतना कि हमारा बराबर कोई नहीं, और कहीं का गाय के बछड़े को घुमाए तो लोग के गंवा रहे।
कोई अगर गौ माता को घुमाने के लिए ले जाए, गाय को पकड़ कर घुमाने के लिए जाए, शहर में गाय के बछड़े को घुमाने के लिए जाए, तो लोग कहते हैं गंवार है, और कुत्ता घुमाए तो भी आएगी। उसको भी समझ नहीं। गर्ग संहिता में कहा गया, जब आप घर से जल लेकर जाते हो भर कर, तो ये सृष्टि की जितनी नदियां हैं, पृथ्वी पर जितनी नदियां विद्यमान हैं, जितने तालाब, जितने सरोवर, जितने कुंड, जितने विराजमान हैं, उन सारे तीर्थों का जल जब आप घर से लेकर निकलते हो, तो वो तीर्थ का संपूर्ण जल आपके कलश में आ जाता है। और जब आप उस जल को शिव पर समर्पित कर देती हो और दो बूंद चरणा तक लेकर जब जाती हो, तो शिव महापुराण गर्ग संहिता पद्म पुराण कहती है, वो जल साधारण नहीं रहता, वो गंगा जल बनकर तुम्हारे घर को पवित्र करने के लिए पहुंच जाता है। वो पवित्र गंगा जल बन, उसको लेकर प्रवेश कर, उसको लेकर पहुंच। तीन तरह का जल शिव को समर्पित होता है, और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है हमारा। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया, वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरा जल, जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं, तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगी लाए, बहुत रोगी लाए, एक शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, वामन पुराण में जितनी चीजें लिखी गई है, एक एक प्रैक्टिकल कर देखो, तो शिव महापुराण स्कंद पुराण का ये भाव याद करिए कि एक लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर बहुत रोगी ला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, एक लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ, और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है। औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना करी, केवल इत्र समर्पण, इत्र का जल। तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का, और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है, बेल पत्र का जल। तीसरा जो जल है वो बेल पत्र का जल। बेल पत्र का जल कैसा? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेल पत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह देना, केवल बेलपत्र के माध्यम, बोलना नहीं है हमको, कुछ हमें कुछ कहना नहीं है। तीन तरह का जल का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, एक सादा जल जो भगवान को कहा, आपने अपना एड्रेस बता दिया, आपने अपने मन का भाव बता दिया, इत्र का जो जल चढ़ाया गया वो केवल रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया गया, और तीसरा बेलपत्र, अगर उस जल में एक बेलपत्र भी पड़ी हुई है और वो बेलपत्र पड़ा हुआ जल आप जिस भाव से चढ़ा रहे हो, जिस कामना से चढ़ा रहे हो शंकर, वो कामना आपकी पूर्ण कर दे। उनके लिए ये कथा कर, पितरों की तीन बेटियां, तीनों से गलती हो गई, आप शिव मंदिर में जाएं, कोई गलती ना हो, जल चढ़ाए, मना नहीं, छींटा ना लगे, धीरे धीरे चढ़ाए। और एक बात अच्छे से ध्यान में रखिएगा, शिव मंदिर से जब भी वापिस आए, जल चढ़ाकर अपना फर्ज पूरा अदा कर कर, फर्ज से मतलब जब शिव मंदिर से वापिस आए, जो पत्ती बेलपत्री फूल शिवजी पे चढ़े थे वो नीचे शिवलिंग पे से नीचे गिर गए हो, एक शिवलिंग रखा है लाना मिट्टी वाला, नहीं इधर गढ़ में कथा चल रही, थोड़ा ध्यान से सुन। तो आप लोग जो पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई भी उपास करते हो, कई लोग कहते हैं हमने करा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? उसमें हमारी गलतियों को हमें चाहिए। ये देखिए,
अब जैसे ये शिवलिंग रखा है, आपने जल चढ़ाया, अब जल आप यहाँ से चढ़ा रहे हो तो धीरे 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 चढ़ाएं, जिससे छींटे बाहर ना, यहाँ तक छींटे रहे ना जलाधारी तक चलेगा, बाहर ना दे। और एक बात का स्मरण रहे, यदि बेलपत्री फूल पत्ती जल चढ़ाने के बाद ये सब अगर नीचे गिर जाए, जलाधारी पर गिर गया या नीचे उतर गया, तुम्हारा पूरा जल चढ़ जाए, तुम्हारे पास में चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो भी अपने हाथ की तीन उंगलियों से रेखा तीन खींचकर, और फिर जो माला आदि कादिक भगवान की रखी थी उसी से भगवान का वापिस पूरा श्रृंगार कर कर फिर वापिस आइए, भगवान को पूर्ण श्रृंगार। भगवान का पूर्ण श्रृंगार कर कर आइए। कई लोग जल चढ़ाने के बाद में भगवान का जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है, आप, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर से लेकर जाओ, आपके पास में कुछ नहीं, एक लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाया, जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर, उसको रखकर उसी फूल से भगवान का खूब सुंदर